अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपको दिखाएंगे एक बड़े मज़े की तस्वीर इस किताब में से। देखेंगे सब, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तस्वीर में, गौर से देखिएगा। तो ये रही तस्वीर, ये देखिए ये क्या है। पलंग है और पलंग के ऊपर पड़ा हुआ है एक पंखा, पंखा पंखा। और ये देखिए ये एक मेज़ है और मेज़ के ऊपर पड़ा है ये गोल सा क्या, प्याला प्याला, वेरी गुड प्याला। और प्याले के साथ ये क्या पड़ी है, प्याज। ये है प्याज, प्याज जो खाने में डालते हैं, जिसका सलाद भी बनता है। और ये देखिए ये हवा में क्या उड़ रही है जनाब, पतंग, वेरी गुड। ये है पतंग। और इसके साथ ये हवा में कौन उड़ता जा रहा है भाई, ये है परिंदा, परिंदा परिंदा। और ये देखिए ये है एक दरख्त, और ये दरख्त से बहुत सारे नीचे क्या गिर रहे हैं, ये देखें जो सर्दियों के मौसम के आसपास शुरू में और बाद में गिरते हैं, ये देखिए ये क्या गिर रहे हैं, पत्ते पत्ते, एक हो तो पत्ता, वेरी गुड। चलिए दोहराते हैं, ये क्या पड़ा हुआ है पलंग के ऊपर या चारपाई के ऊपर, जी हाँ ये पड़ा हुआ है पंखा, वेरी गुड। और ये मेज़ के ऊपर ये गोल सा क्या पड़ा हुआ है आप बताएं, ये क्या चीज़ है, गुड, ये है प्याला, प्याला, वेरी गुड। और उसके साथ ये क्या पड़ी हुई है जो हम सलाद में डालते हैं, बोलें, गुड, ये है प्याज, ये है प्याज। और ये हवा में क्या उड़ रही है भाई, जिसके साथ डोरी होती है, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गुड, क्या कहते हैं, पतंग, वेरी गुड पतंग। और इसके साथ ये क्या उड़ रही है, उड़ रहा है जनाब, जिसके दो पर होते हैं और अल्लाह ताला ने इतना प्यारा सा इसको बनाया है, क्या है ये, परिंदा, वेरी गुड। तो देखिए आज आपने कितने से नए लफ्ज़ सीखे, परिंदा, पतंग, प्याला प्याला, प्याज और पंखा। चलिए इस वीडियो को दोबारा देखिए, ये लफ्ज़ दोबारा सीखिए और देखिए ये आपके आसपास कहाँ नज़र आते हैं। पूरी हरूफ तहजी जो हैं ब प, ये छोटी शक्लें और बड़ी शक्लें, ये सारी की सारी जो अभी आपने देखी हैं सुनी हैं, इसको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब आप इनको अपनी कॉपी में लिखिए, शुक्रिया।